हम लेते हैं पर्टन मोड़ के बीएच भी लेते हैं लोग करते कभी भी इमरजेंसी में अच्छी चीज़ गुड डे टू ऑल ऑफ यू मैं कंप्यूटर शिक्षा नाम की एनजीओ से हूँ कंप्यूटर शिक्षा आपको फ्री में कंप्यूटर की पॉज करने के लिए या यहाँ पे क्लिक करना है या इस पेज पर ठीक है जहाँ पे मैं बोलूँगा पॉज करना है आपको पॉज कर देना है जहाँ मैं बोलूँगा प्ले करना है प्ले कर देना है ठीक है मैनुअल आपके हाथ में वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिए यहाँ पे क्लिक कीजिए यहाँ पे क्लिक करना ठीक है अब आपको पता है कि वीडियो की टाइमिंग देखनी है खास टाइमिंग देखनी है यहाँ से आपको वीडियो की टाइमिंग देखनी है आप सभी को ठीक है आपको ध्यान में रखना है मैंने उन्हें जहाँ पे टाइमिंग मेंशन है कि वीडियो को रोकना है वो टाइम यहाँ पे प्ले होता रहेगा इस जगह ठीक है यहाँ पे आपको टाइम देखना है जहाँ पे रोकना है इस जगह पे आपको क्लिक करना है लेफ्ट बटन दबाओगे वीडियो रुक जाएगा अभी वीडियो रुका हुआ है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा वीडियो चल पड़ेगा काम कर रहा है दो लड़कियां किसी चीज को सर्च कर रही हैं। 10 मिनट एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है एक लड़की ड्रॉइंग बना रही पॉज करो वीडियो को वीडियो की टाइमिंग 10 मिनट मैनुअली देखना आपको सिर्फ वीडियो की टाइमिंग अभी मैं टाइमिंग को करवा रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो पे कंट्रोल होना चाहिए ना आगे पीछे फॉरवर्ड रोकना पॉज करना मिनिमाइज करना क्लोज करना आप वीडियो को कंट्रोल करोगे तभी तो फिर क्लास लोगे ना एक होता है क्वेश्चन पूछना या सवाल लेने वो अलग बात है एक है वीडियो पे कंट्रोल अगर आपको वीडियो पे कंट्रोल नहीं हो आपको यहाँ पर रोकना है वहाँ पर वीडियो रोक नहीं रहा है तो आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे बच्चों से कैसे वो चीज़ें प्रैक्टिस कराओगे जब आप वीडियो को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको वीडियो पे कंट्रोल होना चाहिए ठीक है 10 मिनट वीडियो की टाइमिंग होनी चाहिए 10 मिनट करेक्ट 10 मिनट आप सभी देख लीजिए कहाँ पे देखना है टाइमिंग देखने के लिए आपको यहाँ पे पॉइंटर ऐसे मूव करना है जहाँ पे 10 मिनट आए वहाँ पे क्या कर देना है ठीक है, ठीक है, ये तो सेकंड के डिफरेंस अब वीडियो को शुरू से प्ले करना है तो क्या करोगे या अपने पॉइंटर पे यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में लाओगे यहाँ पे क्लिक कर दोगे या फिर क्या करना है एक ऐसा बटन है यहाँ पे भी क्लिक करोगे कहीं पे भी वीडियो होगा तो यहाँ से स्टार्टिंग से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे प्ले पे क्लिक करोगे गुड डे टू ऑल ऑफ यू मैं कंप्यूटर शिक्षा की एनजीओ से हूँ कंप्यूटर शिक्षा आपको फ्री में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करती है क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह फिर बताना चाहता हूं इन कक्षाओं के लिए कोई चार्ज नहीं की है ये बीएससी का है यहाँ से आप लोग यहाँ पे देखिए इसको कम ज्यादा कर लोगे आप ठीक है क्लास के लिए बैठे तो इन वीडियो करो कक्षा में एक दूसरे से वार्तालाप आप कल आपको बताया गया जब क्लास लोगे स्पीकर को ऐड करोगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं मान लो आपने क्लास वीडियो इंस्टॉल कर दिया आपका कंप्यूटर है उसके अंदर वीडियो इंस्टॉल कर दिया प्रोजेक्टर भी लगा दिया यहाँ पे सामने स्क्रीन आ रही है अब आप क्लास लेने के लिए तैयार है ठीक है आपको इसी तरीके की स्पीकर मिलेगा जैसे यहाँ पे दिया यही स्पीकर रहेगा अलग नहीं रहेगा यही स्पीकर रहेगा तो सबसे पहले क्या करोगे आप साउंड के लिए क्या करोगे आवाज चेक करेंगे मॉकेट चल रहा है पहले देखोगे यहाँ पे चल रहा है नहीं चल रहा आवाज आ रहा है नहीं आ रहा हाँ इसकी वॉल्यूम को यहाँ पे बढ़ाओगे ठीक है एक इसके अंदर यहाँ पे बताएगा यहाँ पे क्रॉस के बारे यहाँ पे ठीक है
इसके बाद भी नहीं आ रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर इसके बाद भी आवाज नहीं आ रही है तो वायर चेक करेंगे। वायर चेक करोगे? वायर को कनेक्ट कैसे करना है? इसके अंदर दो आपको पिन पिछले कर दिया होगा, इस तरीके से यूएसबी होगा, इसके साथ अटैच है स्पीकर के साथ, एक यूएसबी जैसा होता है और एक होगा जो हेडफोन की तरह होता है एक गोल पिन के अंदर। ये इसलिए होगा स्पीकर के अंदर पावर सप्लाई के लिए। उसको आपको कहाँ से अटैच करना है? कंप्यूटर में, जो आप जो भी सीपीयू आपको जो कंप्यूटर दिया होगा उसके यूएसबी को आप एक बार इसमें क्लिक करोगे, क्लिक नहीं करना, अटैच करना है, लगाना है। जैसे आप लगाओगे तो इस तरीके से लाइट जल जाएगा इसमें, ठीक है? ये दो अलग अलग स्पीकर लिए कंबाइन नहीं है, वायर से कंबाइन है दोनों के लिए। हाँ, वो एक इसके साथ एक सिंगल वो अटैच वायर है। जो ऐसे यूएसबी पोर्ट होगा वो सिर्फ किस लिए होगा? इसके अंदर पावर सप्लाई के लिए। ऑडियो के लिए क्या करना है आपके पास? इस तरीके का होगा जैसे हेडफोन होता है ना, वो आपको यहाँ पे पोर्ट बना होगा इस जगह, वो यहाँ पे लगाना है। या फिर सीपीयू में जब आप जिस दिन हार्डवेयर जिस दिन आपको क्लास दी जाएगी उस दिन आपको खुद से करवा के दिखाया जाएगा कि कैसे अटैच करना है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे भी एक वॉल्यूम यहाँ पे भी बटन दे रखा है, ये वॉल्यूम बटन भी आपको चेक करना है, घटाना बढ़ाना कम ज़्यादा यहाँ से भी होगा। ये वॉल्यूम बटन है, जब इन सबको लगा लोगे अभी जो स्पीकर जो साउंड है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो फिर स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम होगी? स्पीकर भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। आप बता दीजिए। मैं तो क्वेश्चन नहीं बताऊ जो भी होंगे जो आपके सिस्टम भेजे जाएंगे वो पहले से चेक होंगे कि उसके अंदर ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं है। अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो जो साउंड के ग्राफिक्स जो इंस्टॉल है वो उसको उसके अंदर इंस्टॉल करके आपको पास दिए जाएंगे। ये ऐसे नहीं है कि मतलब उसके कंफर्टेबल है या नहीं, ऐसी क्लास स्टार्ट भी होंगी वो सारी चीज पहले चेक कर दिया जाएगा, ठीक है? वीडियो को ऑफ टाइमिंग कैसे आगे पीछे करना आप क्वेश्चन करना। जरूर वीडियो टाइमिंग 2 मिनट 3 सेकंड। ठीक है, मैनुअल को आपको 7 मिनट रहना है। अब जो मैं टाइमिंग बोलूंगा वहां पे क्वेश्चंस होंगे, आपको उस टाइमिंग पे देखना है क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चन इन लोगों से करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ? मैं वीडियो पे जो वीडियो की टाइमिंग है मैं उस टाइमिंग को आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि वीडियो कैसे रोकना है और क्या क्वेश्चंस पूछना है। किसी को कोई डाउट है कि मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ? मैं वीडियो पे ऑपरेट करना बता रहा हूँ अभी, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन पूछिए, आप बैठे हो ना, आपको चुप नहीं रहना है, क्लास ले रहे हो। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? मैंने 2 मिनट 3 सेकंड बोला ना। क्या होता है कंप्यूटर? क्या होता है ये लिखा हुआ है? क्या पढ़ा? कौन सी क्लास है ये? किस क्लास का वीडियो मैंने प्ले करवाया है? वन का है ना, तो मैंने वन में देखो मैंने क्या बोला, 2 मिनट 3 सेकंड। देखो 2 मिनट 3 सेकंड पे क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर क्या क्या रे करता है?
कहाँ पे देख रहे हो? मैंने आपको वीडियो टाइमिंग क्या बोला है? 2 मिनट 3 सेकंड. 3 सेकंड. मैनुअल के अंदर देखो 2 मिनट 3 सेकंड में क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, यहाँ तो 40 सेकंड है. तीसरा पॉइंट होगा, देखो वहां पे पेज नंबर 2 पे 2 मिनट पेज नंबर 2 सेकंड पेज नंबर मिला. वीडियो आगे प्ले कर, वीडियो आगे प्ले कर. कहां देख रहे हो? मैंने बोला 2 मिनट 3 सेकंड. 2 मिनट 3 सेकंड पहले यहां रोकने का टाइम ये दिया हुआ है. पेज के नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा हुआ है इस चित्र को देखकर पूछे कि क्या क्वेश्चन कंप्यूटर क्या कार्य नहीं करता. क्वेश्चन अलग है. क्वेश्चन बोर्ड क्या लिखा है? एक्सप्रेस में क्या कार्य कर रहे हैं लोग, ये इनसे पूछना है आपको. जैसे टीचर क्लास लेता है ना, आपको उसी तरीके से वीडियो को देखो. यहाँ पे चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख के बताओ कि इसके अंदर लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं. ये चीजें आपको पूछनी है, मेरे को नहीं, मैं सिर्फ आपको टाइमिंग बताऊंगा. आप इनमें से किसी से भी पूछो, फ्री होके किसी से भी पूछो. यहाँ पर कोई बड़े छोटा कोई नहीं है, सब एक जैसे है. यहाँ पे सब यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं. अभी आप वहाँ बैठो, मतलब अभी टीचर हो वहाँ पे. ये आपके स्टूडेंट्स हैं, इनको अभी कुछ नहीं आता है, आप इनसे क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है? कोई सीन से